Welcome to NXT TakeOver, where we have huge breaking news. Red has officially been cleared to compete for the NXT Women's Championship against Candice LeRae and Rhea Ripley, who brutally attacked Red just a few weeks ago. In addition to that enormous match, we also have the finals of the Dusty Rhodes Tag Team Classic, where Trey and Velveteen Dream will take on the Viking Raiders. Well, Byron, in all your excitement, you forgot to mention that since the Women's Championship match is back to a triple threat, that also means it'll be no disqualification, which, if you ask me, only means trouble for Candice and Red. Hey, I heard the good news. You were cleared. But, you sure you're okay? I'm only sure of one thing. I'm going to annihilate Rhea Ripley. She almost took everything from me, but her mistake was she stopped at almost. Tonight, I won't stop. At least your match is no DQ. That way you can take care of Rhea and still win the title, so that's good. Ooh. I'd say it's very good. Ah, it's beautiful, isn't it? Yes, the dream's reflection is beautiful. Right. Well, that trophy could be ours, but I was thinking we still don't feel like a real team. And a big part of that is because we don't have matching outfits like all the great tag teams throughout history. So, I went and had these made. I hope you like them. I love them. वेलकम एवरी वन, स्वागत है आप सबका गेमिंग विद अभिनीत में। और हम आ चुके हैं करियर मोड के अगले एपिसोड में। तो भैया रेड आ चुकी है वहाँ पे और ये है इसकी एंट्रेंस। यार रेड की एंट्रेंस, अपनी लिस्ट साथ लेके ही आती है ये ऐसे टाइम पे भी। तो ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही सही हो सकता है। फाइनली क्या रेड NXT Introducing the challenger from Greenwich, Connecticut, Reed. Here we go, gentlemen. तो क्या finally NXT champion बन सकती है Red? ये देखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा important होगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस match में। एक आँख बचारी की जो है वो हो गई थी, मुझे था trophy टूटेगी, यार मुझे नहीं पता था उसकी आँख टूट जाएगी, वरना ऐसा decision हम नहीं लेते। पर चलिए जो भी था, funny decision था, list उसने संभाल के रख दी है। अब अगला कौन आने वाला है, रिया रिपली या फिर स्किप कर दूंगा उनकी मैं जल्दी जल्दी, कैंडिस दोनों की जल्दी से स्किप करते हैं एंट्रेंसेस। तो फाइनली NXT चैंपियनशिप, NXT वुमेन्स चैंपियनशिप का ये मैच शुरू होने जा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी जल्दी अगर देखा जाए ये NXT चैंपियन बन जाएगी तो ये भी मजेदार होने वाला है भैया। चलिए शुरू कीजिए मैच जल्दी जल्दी। तो चलिए बैटमैन लग रही, बैट वूमेन लग रही है हमारी कीरा या फिर रेड। इनके नेम भी चेंज करने हैं यार इस मैच के, इसके बाद कर देंगे। तो चलिए कुछ भी नहीं करना है, मैच जो है सिंपली पिनफॉल या सबमिशन से जीतना है। तो शुरू करते हैं, कैंडिस लरे वहां शुरू हो गया। ये मूव तो यार जॉन सीना का है, ये जो इसने मूव मारा अभी वाला ये जॉन सीना का था। और बिल्कुल ऊपर चढ़ के बहुत ही बेहतरीन हुई काना वहां पे लगाती हुई रेड, और रिया रिपली साइड पे गिरी है। असली पंगा देखा जाए तो जितना अभी तक समझ आ रही है रिया रिपली और रेड के बीच में है। कैंडिस बेचारी हालांकि चैंपियन है लेकिन उसकी ज्यादा पूछ खींच हो नहीं रही है। और फाइनली अपना जिसे कहते हैं बदले की आस लेके रिया रिपली की पिटाई करती हुई रेड वहां पे, और कैंडिस भी आ चुकी है बीच में लेकिन उसको मौका नहीं मिला, वो साइड पे होगी, कहती रहने दो लड़ो तुम दोनों जितना लड़ना है मैं बाद में लड़ लूंगी। ये अच्छी मूव थी। और फाइनली कैंडिस ने मौका देख के वहां पे रेड को उठाया, ड्रॉप किक लगाई लेकिन वो भैया कहीं भी नहीं लगी। एज यूजुअल इस गेम में कई बार आपके जो मूव्स है वो हवा में ही हो जाते हैं। और अच्छी ब्लॉकिंग, और रेफरी वहां पे वन तो कर कर ना वन और वन, अच्छा उल्टा हो गया था ये। तो चलिए रिया रिपली का शॉट वहां पे, अच्छी ब्लॉकिंग रेड द्वारा, और ये मूव अच्छा मूव है यार, ये बढ़िया सीधा। इसका असर मेरे हिसाब से तो यार नेक पे पड़ना चाहिए, बाकी पता नहीं। और कैंडिस उधर उठ चुकी है, वापस अंदर आ चुकी है, बढ़िया वहां पे एल्बो
सीधा फेस पे। और ये क्या करने वाली है बाहर जाके वेपन। अच्छा ये नो डीक्यू मैच है तो फाइनली रेड वहां पे अब वेपन ढूंढ रही है। चेयर निकाल ली है भैया, अंदर नहीं आया जा रहा उससे। कोशिश पूरी है रेड की कि किसी तरह एंटर करे और कर भी गई है तो रिया रिपली बच के। और रिया रिपली समझ चुकी थी कि ये चेयर सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आई है, इसलिए उसने साथ ही ब्लॉक कर दिया, कैंडिस को साइड पे कर दिया कि भाई हम बाद में लड़ेंगे, यहाँ चेयर मेरे लिए आई है बदले के लिए। और टॉप रोप पे सीधा जो गर्दन है रेड की पड़ी और रेड मैच के बाहर हो गई है कुछ टाइम के लिए। यही मौका है कैंडिस या फिर रिया के लिए अगर ये मैच जीतना है भैया, बहुत अच्छा मौका है। वैसे तो इन सब की अभी काफ़ी पावर है, इतनी जल्दी ये मैच ख़त्म नहीं होगा, बट यू नेवर नो। तो रेड उठ के वापस आ चुकी है, ज़्यादा वेट किया नहीं उसने। और कैंडिस दूसरी तरफ, लेकिन बढ़िया मूव पावर बम की कोशिश। ये पावर बम नहीं है यार, कुछ और ही मूव है, ये फेस बस्टर टाइप मूव था ये तो। चलिए अच्छा रिवर्स वहां पे और बढ़िया केक, गट केक, दूसरी तीसरी हैट्रिक होती हुई वहां पे किक्स की, चौथी भी लगाना चाहती थी लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। और अच्छा रिवर्सल, बेहतरीन रिवर्सल। और रिया रिपली तो ओहो, रिया रिपली वहां पंच लगाने लगी थी लेकिन कैंडिस लरे ने पीछे से पकड़ के उसको मारा और कैंडिस लरे को पीछे से पकड़ के रेड ने लगाया। ट्रिपल थ्रेट के यही मजे है भैया, कौन किसको कहां पीट दे कुछ नहीं पता चलता। तो फाइनली कैंडिस काफी मुश्किल में आ चुकी है, देखा जाए चैंपियन है लेकिन इस टाइम अगर सबसे ज्यादा पिटाई हुई है तो वो कैंडिस की हुई है मेरे हिसाब से। दोनों रिया रिपली और रेड ने ये बात समझ ली है कि आपसी दुश्मनी इस टाइम नहीं, चैंपियनशिप के पीछे जाओ, जो हाथ में आ रहा है उसको पकड़ के पीटो, वही बेटर ऑप्शन है। और अच्छा रिवर्सल कैंडिस का वहां पे, उधर रिया रिपली भी तैयार है वापस आने को। एक और रिवर्सल लगाया है रेड ने और बढ़िया ड्रॉप किक लगाई है उसके साथ। तो रिया रिपली फाइनली वापस आ चुकी है और कैंडिस क्या करना है, सॉरी, और रेड का ये मूव, हवाई मूव और स्पीयर। ओ हो, तो भैया ये मुश्किल हो गई है रेड के लिए, बट अच्छा कमबैक दिखाया वहां पे। लेकिन एक और रिवर्सल्स और भैया लो, कैंडिस का वहां पे आके ये कहानी पक्की हो गई है। रिया रिपली को कैंडिस मारती है और जब तक कैंडिस उठती है उधर रेड तैयार होती है, वो भैया मूव लगा देती है अपना कैंडिस को। तो सबसे ज्यादा पिटाई इस सब में कैंडिस की हो रही है, एक बार क्विकली देखते हैं। जी हाँ, कैंडिस की और रिया रिपली की काफी पिटाई हो चुकी है। रेड अभी भी काफी सेफ है इन दोनों से अगर देखा जाए, स्ट्रांग है कह सकते हैं, पावर ज्यादा है, लेकिन ऐसे मूव्स लग गया भैया, एल्बो बहुत ही सही मूव था ये। लेकिन रिया रिपली वहां पे पीछे से आके अटैक करके डांस करती हुई चिढ़ाती हुई वहां पे हमारी रेड को कि ले तेरे से ज्यादा स्ट्रांग हूं मैं। इन दोनों के मैचेस तगड़े रहे हैं अभी तक। ये एक बार फिर से पंच लैंड नहीं किया, एल्बो लैंड नहीं की इनफैक्ट, और टर्न बकल पे नहीं, ये जाके गिरेगी सीधा साइड पे। और उधर कैंडिस का भी बुरा हाल है और अब रेड की भी अच्छी पिटाई हो गई है, लेकिन कैंडिस का अभी तक मेरे हिसाब से सबसे बुरा हाल है। और ये अच्छी किक थी, फाइनली कमबैक किया रेड ने और कैंडिस भी आ चुकी है वहां पे। रिया रिपली बाहर है और ये मौका है रेड के पास या कैंडिस, मोस्ट प्रोबेबली रेड के पास, और वो उसका फायदा उठा रही है लेकिन ड्रॉप ब्रेक रहेगा वहां पे। क्या बात है, रेफरी भी तैयार और फाइनली चेयर आ चुकी है और वहां पे रिया रिपली आ चुकी है। और लीजिए बदले की भावना से रेड आई थी और अपना बदला पूरा करती हुई, और दोनों पे, ये नहीं है कि अकेले रिया रिपली पे, और नहीं 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 नहीं, ये भैया बहुत ही खतरनाक हो सकता है ये। ओ रिया रिपली तड़पती हुई जान निकल गई होगी कुछ टाइम के लिए यहाँ तो रिया रिपली की। और फाइनली मौका है ये अपना सिग्नेचर लगाने का GTS, और माइट भी यहाँ कहानी खत्म हो सकती है। रेड बहुत स्ट्रांग रही है इस मैच में और ये मैच जीत लिया है रेड ने। ओहो हो, तो रिया रिपली क्या अब फाइनली चूर लीजिए भैया, तो रिस्पेक्ट शो हो चुकी है फाइनली। रिया रिपली ये समझ चुकी है कि
of the gold she now holds in her hands. And there you see Red crossing this achievement off her list, one of many significant things she may go on to cross off in her career. A truly inspiring moment. तो चलिए फाइनली यहाँ पे ये मैच खत्म होता हुआ और एक और चीज जो है उसने लिस्ट से काट दी है भाई लीजिए कट चुकी है तो अगले मैच की तरफ चलते हैं यहाँ पे क्विकली फाइनली हमारा दूसरा मैच वहां पे ये क्या है Maybe they've turned a corner as far as your team chemistry goes. It's one thing to wear the same gear as your partner, but the real test is going to be in the ring. If these two are on the same page, when it really matters, the Viking Raiders are going to slaughter them. Look at Trey's move. He's clearly been studying Velveteen's entrances. All that time would have been better spent watching film on the Viking Raiders, but what's new? This guy's priorities have been out of whack since day one. To be fair, Corey, Velveteen Dream is going for his eccentric entrances, but always delivers when the bell rings. So why can't Trey do the same thing? Oh, that's easy. He doesn't have the same level of natural talent that Velveteen has. Besides, look at this guy. He looks like a goof out here trying to do Velveteen's mannerisms. If you're going to put that much effort into your entrance, at least get your own style. He's just trying to be a good teammate. It's all in good fun. Well, if this is your idea of fun, then that explains a lot. Nonetheless, these two have had an unexpected and impressive run to make it here to the finals. It kind of reminds me of last year when Ricochet and Aleister Black were a somewhat unlikely pairing, and they went on to win the entire tournament. We could see a similar outcome tonight. Highly unlikely. The Viking Raiders have teamed thousands of times all over the world while Trey and Velveteen barely know each other. You can't overstate that kind of advantage. I hear you, but look at these synchronized moves. I'm telling you, these two are ready. चलिए भैया ये डाइजेस्ट करना इजी नहीं थी एंट्रेंस एक बहुत ही मस्त वाली थी ये चलिए भैया ये मैच शुरू होने जा रहा है तो इन्होंने खुद ही नहीं एंट्रेंस दिखाई एरिक और इवार की तो एरिक को रेड हैंड्स पे लाना है बड़ा सीधा सा काम करना है भैया ट्रे और वेलवेटिन ड्रीम को मिलके तो आज हमारे ट्रे ने जो एंट्रेंस डाली है यहाँ पे सच में यार इतना तो वेलवेटिन ड्रीम नहीं अपनी मस्त चाल में आता जितना ट्रे आया था पर जो भी है ये मैच शुरू हो चुका है और अच्छी स्टार्ट ट्रे कोशिश कर रहे हैं भाई अपनी लेने की तो एरिक की हालत बुरी करनी होगी लाल हेल्थ तक लेके जाना इजी नहीं होगा इसी बीच एक अच्छा मूव लगाते हुए वो रिवर्स मूव बढ़िया मूव्स लग रहे हैं यहाँ पे और वेलवेटिन ड्रीम पता नहीं मुझे इस बंदे पर इतना भरोसा है नहीं यार वैसे ट्रे की हिम्मत है जो भरोसा करके बैठा हुआ है पर देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा तो अच्छा वहाँ पे टर्न बकल पे ले जाके और ये बहुत ही बढ़िया बुलडॉग तो ये वाला शॉट सीएम पंक लगाया करते थे तो भैया ये बहुत सही लगता था उस टाइम पे तो सीएम पंक के सारे मूव सही लगते थे और ये लीजिए ये किक एक ऐसी है जो रेड और ट्रे दोनों लगाते ये क्या था दोनों लगाते और अच्छी लगती है ये किक देखने में इसी बीच एरिक कोशिश कर रहे हैं कि अपना कुछ अपर हैंड ले पाए लेकिन आज ट्रे मूड में आया है डस्टी रोड चैंपियनशिप उन्हें जीतनी है हर हाल में और पंचेस ओहो फाइनली मैट पे पटका वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छी टीम है बहुत ज़्यादा अच्छी टीम है एरिक और इवार की एक तो इनके नाम इतने बदलते रहते वाइकिंग रेडर्स नाम है अब इनका आई थिंक तो इन्हें मैंने फर्स्ट टाइम देखा था यार न्यू जब ये कहाँ पे किक जा रही है इन्हें फर्स्ट टाइम देखा था अपना जब न्यू जापान रेसलिंग का एक शो हुआ था मुझे शो नहीं याद मैंने एक ही बार देखी है न्यू जापान रेसलिंग रॉयल रंबल की तरह कोई मैच शुरू हुआ था उसमें इनका मैच था बहुत टैग टीम थी इसी बीच क्या बेहतरीन स्पीयर लगाया है भैया अपने ट्रे ने आज अपने आप अपने दम पे ये मैच जिताने की कोशिश कर रहे हैं वो मोस्टली अभी तक जितने भी टैग टीम मैचेस हुए हैं वो वेलवेटिन को टैग दे के बाहर हो जाते हैं लेकिन आज ऐसा नहीं है आज उन्होंने प्रूव करना चाहा है भैया और लीजिए हो गया प्रूफ बाहर हो गए वो पर ये रॉयल रंबल नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है तो मैं बात कर रहा था इन दोनों को मैंने उस मैच में देखा था उसमें काफ़ी टैग टीम्स थी उनमें से एक टैग टीम इनकी भी थी किसी चैंपियनशिप के लिए वो मैच था लेकिन ये सबसे पहले बाहर हो गई थी टीम उस टाइम पे यही कह रहे थे कि भैया इन्होंने WWE से साइन कर लिया तो करके
ज़्यादा स्क्रीन टाइम इन्हें नहीं दिया गया न्यू जापान रेसलिंग वाले उस शो में, इसलिए सबसे पहली टीम यही थी बाहर होने की, और उसके थोड़ी देर बाद ही एनएक्सटी में आ गए थे, तो मैं समझ गया। तो फाइनली रेड हेल्थ वाला जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें वेलवेटीन ड्रीम से लीगल मैन रह के एक स्टैंडिंग ग्रैपल लगाना है एरिक के अगेंस्ट, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो जाइए भैया और कीजिए टैग, क्या बात है, वेलवेटीन ड्रीम आ चुके हैं और लीजिए। इसी बीच वही कहानी पुरानी वाली, और मुझे पता नहीं इस बार लग रहा है कि ये रिवर्स होगा, लास्ट टाइम भी लग रहा था, मुझे इस बार भी लग रहा है। Finally, Velveteen Dream has come to his senses. Velveteen Dream has essentially sacrificed Trey to their opponents. चलो जी, होगी ट्रे की कहानी खत्म, कर लो भैया 1 2 3, कर ले भाई 1 2 3। तो कुछ इसकी किस्मत ख़राब है, कुछ इसकी हरकतें ख़राब है, ट्रे एंड ट्रे के मैचेस का यही रहता है। This is on you, partner. You called the dream out, and you questioned the dream's authenticity. But the dream never needed some repulsive trophy for validation. The dream already knew that there was only one dream, and that is the Velveteen Dream. At one point, I considered letting you win this thing because the dream felt sorry for your desperate need for success, but then you repeatedly stole the dream's spotlight, leeching off the dream's moves, the dream's look, and anything else you can get your hands on. But it's like the saying goes, imitation is the sincerest form of battery. Casey's a sir phoot gaya. चलो जी, हैंडकफ से ये कहानी शुरू हुई थी, हैंडकफ्स पे ही खत्म होने वाली है। मेरी लाइन चुरा ली कोरी ग्रेव से। Advocating what's happening, but you have to admit Trey brought this upon himself. The moment he mentioned Velveteen Dream's name, he was asking for trouble. चलो भैया, ड्रीम ओवर, जैसे कि वेलवेटीन ड्रीम कहते हैं, और डस्टी रोड्स चैम्पियनशिप कह रहा हूँ, ट्रॉफी जीतने का जो ड्रीम था वो खत्म होता हुआ कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। Pardon me, Red, Trey, you both have huge matches tonight. Do you have a second to comment? No. Yeah, we do. So Candice LeRae has invoked her rematch clause in an Iron Woman match. Now, after everything you've been through, are you ready for your first NXT Women's title defense? Well, considering I'll actually be able to see this time, I think I'm more than ready. Trey, you are going to face Velveteen Dream in the first ever No DQ Spotlight match, where in order to win, you must steal your opponent's finishing move. Now, how have you prepared for this unique stipulation? I haven't had to. I've used his purple rainmaker before, but he's never used my finisher. And on top of that, I might have another trick or two up my sleeve, because you never know when you might need it. चलिए भैया, तो यहाँ पे फाइनली अब हम कैंडिस लरे से बात कर सकते हैं, और
बढ़िया, दो मैचेस हो गए यहाँ पे, क्विकली मैसेजेस भी पढ़ लेते हैं। मैचेस हो गए, मैसेजेस पढ़ सकते हैं। कैसे सुनो का मैसेज आया है और क्या कहना है इनका, तो इनका कहना है कि भैया आपको बहुत तंग कर लिया जो करना था हमें, बट फाइनली मौका है, वेलवेटीन ड्रीम को हराओ और रिस्पेक्ट पाओ। रिकोशे का भी कुछ कहना है, कांट बिलीव वेलवेटीन टर्न्ड ऑन यू, शो हिम यू डिजर्व द स्पॉटलाइट ट्रे। अरे इन्होंने सही नाम बोला, क्या बात है, लिखा भी एंड में उन्होंने, आई एम गोइंग टू ऑरलैंडो नेक्स्ट वीक, मे बी वी कैन। यार ये जोजी जेन को डिनर क्यों करना है हमारे साथ, क्यों करना है? मतलब हर हर एपिसोड में इसका यही मैसेज होता है कि डिनर नहीं हुआ, डिनर नहीं हुआ, डिनर नहीं हुआ, कर लेना डिनर, वही हमारा क्या लेना देना है। तो उधर रेड के भी क्विकली मैसेजेस पढ़ते हैं, उसके क्या मैसेजेस है। Time to update my school's website again. I'm thinking something like Riley Flash, esteemed trainer. तो चलिए, ग्लैड यू हैव हील्ड हर्प, और फाइनली लास्ट मैच इस लिटा का है जो कॉन्ग्रेचुलेशंस भेज रही है। तो मज़ेदार, लिटा तक नाम पहुंच चुका है रेड का। तो फाइनली यार ये एपिसोड आई थिंक यहाँ पे ख़त्म कर लेना चाहिए। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, और कोई भी बात है भैया कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।